Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Indore Defence Academy. Well, we have been doing current affairs. मैंने आपको कहा था कि 9 महीने का current affairs मैं आपको 9 hours में complete करा दूंगी. I am still there. Last time हमने एक class की जिसमें हमने देखा कि हमें current affairs कैसे approach करना चाहिए. वेल हमने देखा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना होता है. मैंने आपको बताया कि लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर्स तो हमको करना ही होता है. उसके बाद हमने देखा कि टॉपिक वाइज स्टडीज क्या होती हैं. टॉपिक वाइज स्टडीज में हमें कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, हमें कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, हमने ये चीज़ें देखी. उसके बाद हमने देखा कि एज वी आर गिविंग एग्जाम विच इज रिलेटेड टू डिफेंस, तो ऑब्वियसली जो भी करंट अफेयर्स डिफेंस से रिलेटेड है वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हमने वो करंट अफेयर्स देखा. हमने देखा कि कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायलेटरल एक्सरसाइज एंड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. देन कुछ हमारे नेबर्स हैं जो एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से इंडिया इम्पैक्ट होता है. तो हमने वो एक्सरसाइजेस भी देखी. हमने देखा कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस में. कुछ चीज़ें रह गई थी. क्या चीज़ें रह गई थी? हमने देखा कि कुछ अपॉइंटमेंट्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स कहाँ से हुए हैं, हमने क्या इंडक्ट किया है मिलिट्री में, हमने क्या एक्सपोर्ट किया है, क्या इम्पोर्ट किया है. उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो न्यूज़ में रही हैं उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर पिनाका मिसाइल न्यूज़ में रही है तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी रेंज क्या है. अगर अग्नि प्राइम न्यूज़ में रही है तो उसकी स्पेशलिटी क्या है. जैसे क्वेश्चन आ ही चुका था कि अग्नि प्राइम की रेंज क्या है. इस तरीके के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को समझते हैं. आइए, तो सबसे पहले है हमारा INS विक्रांत. अब INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर. हमारे पास कई तरीके की शिप होती हैं. कुछ शिप्स होती हैं जो एयरक्राफ्ट, एक शिप होती है जो एयरक्राफ्ट को कैरी करती है, एक शिप होती है जो फाइट में काम आती है, तो उसे हम डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, जो सामने वाली शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे वेपन्स लेकर के जाती है. एक स्मॉल कॉर्वेट होती है, एक स्मॉल फ्रीगेट होती है. कॉर्वेट इज बेसिकली यूज्ड फॉर दी सोटे पर्पस. जब हमें बहुत सारे वेपन्स को कैरी नहीं करना है, हमें सिर्फ एरिया का सर्वेलेंस करना है, तो हम स्मॉल शिप में भी जा सकते हैं. व्हेन यू आर ऑन अ फुल फ्रेजिड वॉर, तो आपको एक डिस्ट्रॉयर लेकर के जाना होगा. इस तरह से हमने देखा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है. अब जब आपको एक रिमोट लोकेशन पे जाना है और वहाँ पे लैंड की कनेक्टिविटी नहीं है, आपको मिडिल ऑफ द सी में एयरक्राफ्ट चाहिए, तो टू सेव योर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेसिफिकली पेट्रोल, एज एट द वॉर टाइम एज वी ऑल नो कि योर रिसोर्सेज आर वॉट विल मेक यू विन और लूज द वॉर, है ना. रिसोर्सेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो टू यूज आर रिसोर्सेज वाइजली वी यूज एयरक्राफ्ट कैरियर. Now, Vikrant is first indigenously made aircraft carrier. Aircraft carrier. अब ये हमारा first indigenously made aircraft carrier है. अभी current में इंडिया किस एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज कर रही है? करंट में इंडिया INS विक्रमादित्य को यूज कर रही है. हमने INS विक्रमादित्य कहां से लिया था? हमने INS विक्रमादित्य रशिया से लिया है. INS विक्रमादित्य इज ऑफ रशियन ओरिजिन. तो जो करंटली हम एयरक्राफ्ट कैरियर यूज कर रहे हैं वो है विक्रमादित्य. जो हम इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहे हैं वो है INS विक्रांत. फिर आते हैं ब्रह्मोस पे. ब्रह्मोस, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूं, ब्रह्मोस इंडिया ने एक्सपोर्ट की है फिलीपींस को. इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट की है. अब इससे क्या होता है? इससे आत्मनिर्भर भारत को और भी ज्यादा एक हेल्प मिलती है और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का डोमिनेंस बढ़ता है और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है. और जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं ब्रह्मोस के बाद, इवन इंडिया और थाईलैंड में मिलिट्री डील्स की बात चल रही हैं. इंडिया और आई थिंक इंडोनेशिया, या इंडिया और इंडोनेशिया में भी मिलिट्री डील्स की बात चल रही हैं. तो इट इज़ अ वेरी बिग स्टेप.
तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस मिसाइल्स जो इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की एक रिवर के नाम पे ब्रह्मोस रिवर का नाम पड़ा, जो इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप की है, इंडिया ने एक्सपोर्ट की है फिलीपींस को। देन कम्स 84 क्या है? 84 इज अ एंटी टैंक मिसाइल। 84 इज अ एंटी टैंक मिसाइल। आपने देखा होगा कि एंटी टैंक मिसाइल एक टैंक ही होता है, एक टैंक होता है जो दूसरे टैंक पे एक मिसाइल लॉन्च करता है और उसकी वजह से वो टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर अगर हमें एक टैंक नहीं चाहिए, इफ आई से यू कि यू कैन कैरी अ एंटी टैंक मिसाइल ऑन योर शोल्डर एंड यू कैन गो इनटू वॉर एंड देन यू कैन फायर दैट एंटी टैंक मिसाइल, और जो इतना बड़ा सा टैंक आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप अपनी एक एंटी टैंक मिसाइल से, दैट इज 84। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, आई थिंक सलमान खान की एक मूवी थी इन विच ही वॉज कैरियंग दिस एंटी टैंक मिसाइल, राइट? तो इट इज अ मिसाइल विच एनी पर्सन कैन कैरी ऑन हिज शोल्डर एंड इट कैन डिस्ट्रॉय अ टैंक। तो 84 क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। देन कम AK-203। कई बार सुना होगा ना AK-47। तो AK-47 तो नहीं, पर AK-203 इंडिया ने रशिया के साथ लिया है। इंडिया हैव परचेस्ड AK इंडो रशिया। नाउ AK-203 इज इंडो रशिया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पिनाका पे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, पिनाका की रेंज इंक्रीज हो रही है, तो पिनाका की रेंज इंक्रीज होकर के कितनी हो गई? पिनाका की रेंज हो गई है 45 किलोमीटर्स। और पिनाका है क्या? तो पिनाका इज अ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, पिनाका इज अ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज पिनाका। तो रिमेंबर, जो हमारा रिपब्लिक डे की परेड होती है उसमें हम हर बार एक टैबलू, एक पिनाका का टैबलू जरूर डिस्प्ले करते हैं। तो पिनाका इज मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। देन कम्स हीरोन ड्रोन्स। अब इंडिया को सर्वेलेंस के लिए हमने अभी फाइंड किया कि इट्स वेरी इजी एंड वे बेटर टू डू द सर्वेलेंस विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। That's why India is inducting Heron drones from Israel. These drones are same as UAVs. हमने कई बार देखा होता है ना कि जो UAVs होते हैं, तो जो हमारा लद्दाख स्टैंड ऑफ है, these drones have been inducted at Ladakh standoff. Now in Ladakh and standoff, we can keep an eye on the enemy with the help of drones. Which drones? Heron drones. Heron drones will help as a hero. Hero kaun hai mara? Heron drones. Jisko humne Ladakh standoff mein use kiya. And Heron drones ko build kisne? Heron drones India ne kahan se induct kiye hai? It is from Israel. Now, moving on. प्रलय, प्रलय क्या है? सबसे पहले तो आएगा कि प्रलय है क्या। तो प्रलय इज अ इंडिजीनियस सरफेस टू सरफेस कौशी बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है फ्रॉम 150 to 500 किलोमीटर्स। नाउ प्रलय क्या है? प्रलय इज अ इंडिजीनियस सरफेस टू सरफेस कौशी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 150 to 500। ठीक है, सी
हमने देखा कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं किस पे, कि पूछ लिया जाएगा प्रलय क्या है। अब प्रलय मतलब कि कोई साइक्लोन या कोई डिजास्टर नहीं आ गया है, प्रलय मतलब कि ये साइक्लोन या डिजास्टर लेकर के आएगा, ठीक है। तो इट्स अ क्वासी बैलिस्टिक एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडिजीनियस सरफेस टू सरफेस मिसाइल। पूछ लिया जाएगा कि प्रलय क्या है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, ठीक है। तो हमको याद होना चाहिए कि प्रलय इज अ सरफेस टू सरफेस इंडिजीनियसली मेड क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिजीनियसली पे मैं काफी एम्फेसाइज कर रही हूँ। मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत स्कीम चल रही है और अंदर आत्मनिर्भर भारत स्कीम हम हर उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं जो इंडिजीनियसली मेड है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी वैसे ही आएंगे जिसमें शो हो रहा है कि हमने इंडिजीनियसली क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। हर कोई हमेशा पूछता है कि डिफेंस की फील्ड में इतने ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, तो इतने ज्यादा एक्सपेंसेस से क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। देन कम्स रुद्रम। नाउ व्हाट इज रुद्रम? रुद्रम इज एंटी रेडिएशन, एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सरफेस। रुद्रम इज एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल। अब सी एक एनिमी शिप आ रही है या फिर एक एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उस एनिमी एयरक्राफ्ट, वो एनिमी एयरक्राफ्ट हम तक पहुंच ही ना पाए, इसीलिए हम उस एरिया के सिग्नल्स ही जैम कर दें। दैट्स वाई वी यूज एंटी रेडिएशन मिसाइल्स विच इज रुद्रम। रुद्रम क्या होती है? एयर टू सरफेस। हम इसको एयर से लॉन्च करेंगे एंड इट विड लैंड ऑन द सरफेस। इट इज एयर टू सरफेस रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। देन कम्स INS कुकरी। अब INS कुकरी क्यों इतने न्यूज में था? INS कुकरी डिकमीशन हो गया है और INS कुकरी इज अगेन इंडिजीनियस। तो INS कुकरी इज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट। ठीक है, कुकरी क्या था? कुकरी इज अ शिप, कुकरी इज अ शिप एंड इट इज फर्स्ट टाइम इंडिजीनियसली बिल्ट। अब ये क्या हो रहा है? ये डीकमीशन हो रहा है, क्योंकि ये डीकमीशन हो रहा है इसीलिए ये इतना ज्यादा न्यूज में था। देन कम्स संध्यक। नाउ व्हाट इज संध्यक? संध्यक इज इंडिजीनियसली मेड लार्ज सर्वे वेसल। इंडिजीनियसली मेड लार्ज सर्वे वेसल इज संध्यक। मैंने आपको बताया कि हर टाइम यू आर नॉट एट पीस एंड हर टाइम यू आर नॉट एट वॉर, बट वेन यू आर इन पीस, टू मेंटेन दैट पीस आप क्या करते हैं? आप सर्वेलेंस करते हैं उस एरिया का, ताकि पता चल जाए कि कोई एनिमी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। फॉर दैट नाउ वी हैव संध्यक, इंडिजीनियसली मेड लार्ज सर्वे वेसल। देन कम्स नाविक। नाविक हैज बीन इन न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो क्योंकि ये कंटिन्यूसली न्यूज में बना हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि नाविक क्या है। नाविक इज इंडियन रीजनल सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम, इंडियन रीजनल सैटेलाइट गाइडिंग सिस्टम। तो नाविक इज अ सैटेलाइट गाइडिंग सिस्टम, ठीक है। नाविक इज अ इंडियन रीजन सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम। जो सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम है वो क्या है? नाविक है। नाउ मूविंग ऑन इज सेंट मिसाइल। अगेन सेंट मिसाइल हैज बीन इन न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द फुल फॉर्म ऑफ सेंट, विच इज स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। सेंट, हमें नाम सुन के क्या लगता है?
कि सेंट मतलब कि संत मतलब कि साधु मतलब ये संत तो क्या ही गुस्सा करेंगे, पर जब संत को गुस्सा आता है तो सीधा जो टैंक के टैंक होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना, छोटी मोटी गन एक दो लोग को कोई नुकसान नहीं होता, सीधे टैंक के टैंक डिस्ट्रॉय होते हैं। तो सेंट मिसाइल इज स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, सेंट मिसाइल इज स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। देयर आफ्टर कम्स समर्थ टॉर्पीडो, अगेन द फुल फॉर्म इज सुपर सोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस टॉर्पीडो सिस्टम? टॉर्पीडो इज अ सेल्फ प्रोपेलेंट, टॉर्पीडो इज अ सेल्फ प्रोपेलेंट व्हीकल। सी अगर ये एक पानी का सरफेस है, ठीक है, पानी के अंदर यहां पर एक सबमरीन है और यहां पे एक शिप है। अब मैं चाहूं तो इस शिप से इस टॉर्पीडो को लॉन्च करूं एंड इट्स सेल्फ प्रोपेलेंट, तो दिस टॉर्पीडो विल गो एंड देन हिट ऑन दिस सबमरीन एंड डिस्ट्रॉय दिस सबमरीन। दिस इज सेल्फ प्रोपेलेंट टॉर्पीडो एंड समर्थ इज द टॉर्पीडो विच इज सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, कमेंट इट डाउन बिलो। वी नो कि सोनिक इज स्पीड ऑफ साउंड, तो सुपरसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक क्या है और सबसोनिक क्या है? सबसोनिक मतलब कि लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, हाइपरसोनिक मतलब कि मोर देन 5 मैक एंड सुपरसोनिक मीन्स कम्स इन द रेंज ऑफ 3 to 5 मैक। व्हाट इज मैक? मैक इज द यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, टॉर्पीडो क्या सिर्फ शिप से लॉन्च करके सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है? नहीं, टॉर्पीडो सबमरीन से लॉन्च करके शिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज टॉर्पीडो फॉर यू। देन कमिंग ऑन, वन सेक, लेट मी जस्ट इरेज इट। नेक्स्ट इज अभ्यास। अभ्यास क्या है? अभ्यास है टारगेट प्रैक्टिस, टारगेट प्रैक्टिस। सी अब हमने मिसाइल बना ली, तो मिसाइल बनाने के बाद मिसाइल को हमें लॉन्च करके भी तो देखना होगा ना। मिसाइल बनाना इज नॉट इनफ, मिसाइल को हमको टेस्ट भी करना होगा, या फिर अगर कोई ड्रोन हवा में उड़ के जा रहा है तो हमारी मिसाइल उसको इंटरसेक्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमने बनाया अभ्यास। अभ्यास इज दी जैसा नाम, अभ्यास यानी कि क्या, प्रैक्टिस। तो हमने टारगेट प्रैक्टिस बनाया नेम अभ्यास। उसके बाद आता है ए सिग्मा। ए सिग्मा क्या है? जैसे आपके पास व्हाट्सएप है, जैसे आपके पास टेलीग्राम है, जैसे आपके पास अब तो कू भी आ गया है, कू इज द इंडियन वर्जन ऑफ व्हाट्सएप, फिर आपके पास इंस्टाग्राम है जिसमें आप मैसेजिंग करते हो, वैसे ही आर्मी पर्सनल के पास अब होगा ए सिग्मा। ए सिग्मा इज आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग ऐप। ए सिग्मा इज आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग ऐप। नाउ एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास हमेशा क्या ए सिग्मा अभी आया है, तो इसके पहले हम कैसे मैसेज करते थे? तो ए सिग्मा हैज रिप्लेस्ड वाइड एरिया नेटवर्क। पहले वाइड एरिया नेटवर्क वॉज यूज, पहले वाइड एरिया नेटवर्क वॉज यूज बाई द आर्मी पर्सनल फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज, एंड नाउ वी हैव अ मोर सिक्योर्ड वर्जन, नाउ वी हैव अ मोर सिक्योर्ड वर्जन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क विच इज आर्मी, विच इज आर्मी फॉर आर्मी सिक्योरिटी मैसेजिंग ऐप, ठीक है, ए सिग्मा। नाउ कमिंग ऑन टू अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अग्नि प्राइम की रेंज पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया था कि अग्नि प्राइम की रेंज क्या है? क्या है रेंज? फ्रॉम 1000 to 2000, फ्रॉम 1000 to 2000 किलोमीटर्स इज द रेंज ऑफ अग्नि प्राइम। नाउ टॉकिंग अबाउट अग्नि प्राइम, व्हाट इज अग्नि प्राइम? अग्नि प्राइम इज अ बैलिस्टिक मिसाइल,
बैलिस्टिक मिसाइल इट कम्स अंडर द IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम विच वॉज स्टार्टेड बाई APJ अब्दुल कलाम. APJ अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ने स्टार्ट किया अग्नि प्राइम. क्या है अग्नि प्राइम? है बैलिस्टिक मिसाइल. अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती है? सी, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है. पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री मतलब हम ऐसे लॉन्च करेंगे और मिसाइल ऊपर 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 तक जाएगी और एक पॉइंट के बाद नीचे आएगी और फिर टारगेट को हिट कर देगी. दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल. देन व्हाट इज क्रूज मिसाइल? सी, ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल. अग्नि प्राइम इज अ बैलिस्टिक मिसाइल. एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे विच इज अ क्रूज मिसाइल एंड विच इज अ बैलिस्टिक मिसाइल. तो हमने देखा कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है. क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल, इफ दिस इज योर फॉलो, इफ इट फॉलो अ गाइडेड पाथ. दी क्रूज मिसाइल फॉलो अ गाइडेड पाथ, मतलब कि ये ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी फिर जिस डायरेक्शन में आप बोलोगे उस डायरेक्शन में जाएगी. तो क्रूज मिसाइल फॉलोज अ गाइडेड पाथ. नाउ प्रलय मिसाइल क्या है? प्रलय मिसाइल इज फर्स्ट ऑफ डेवलप्ड बाय DRDO. इट इज अ सरफेस टू सरफेस टेट्रा मिसाइल. अब क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रलय किसने डेवलप किया है? सी, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो आते हैं वो DRDO के होते हैं. मोस्ट ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी और ऑल, बट यस मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स DRDO के होते हैं. एंड दिस इज अ सरफेस टू सरफेस टेट्रा मिसाइल. क्या? प्रलय. नाउ कुछ छोटे मोटे नाम है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये न्यूज में रहे हैं तो एक बार सुन लो. क्या ये एग्जाम में आएंगे? पक्का आएंगे? सी, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आएंगे, पर फिर भी ये न्यूज में रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए. जैसे कि P15B क्या है? P15B इज स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर. P15B इज अ स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर. फिर आता है P71 इज अ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन. आपको पता होगा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में, इट हैज बीन इन यूज फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में जो सबमरीन इंडक्ट होती हैं वो होती हैं बेला, बाजी. इसके पहले हमने कालावरी, कदमवरी, ये सब इंडक्ट कर चुके हैं. दिस इज अंडर प्रोजेक्ट 75 जिसमें इंडिया और फ्रेंच मिल करके सबमरीन बना रहा है. ये कौन सी सबमरीन्स हैं? ये हैं कन्वेंशनल सबमरीन्स. सबमरीन्स कैसी होती हैं? सबमरीन्स होती हैं टू टाइप की. सबमरीन्स होती हैं एक न्यूक्लियर सबमरीन और एक कन्वेंशनल सबमरीन. जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं एज द नेम सजेस्ट वो न्यूक्लियर एनर्जी पे वर्क करती हैं. जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं वो पेट्रोल डीजल सबमरीन्स होती हैं. ठीक है, वो एनर्जी रिसोर्सेज पे, जो फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जीज होती हैं उस पे वर्क करती हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम कन्वेंशनल सबमरीन्स. तो P71 में हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बिल्ड कर रहे हैं जिसमें हमने 2021 में बेला को इंडक्ट किया था और 2022 में हम बाजीर को इंडक्ट करेंगे. नाउ कम्स शक्ति. यस, शक्ति वॉरफेयर सिस्टम. शक्ति वॉरफेयर सिस्टम, दिस इज अ रेडार विच इज टेस्टेड फ्रॉम INS विशाखा. ठीक है, शक्ति क्या है? शक्ति इज अ रेडार. शक्ति नाम बहुत सारे हैं पर हमको ये रखना है कि शक्ति वॉरफेयर सिस्टम जब आ जाए तो इट हैज बीन इन न्यूज, तो हमको पता होना चाहिए ये क्या है. ये एक रेडार सिस्टम है. फिर उसके बाद आता है MI-17V5. अब MI-17V5 बहुत ज्यादा न्यूज में रहा. क्यों बहुत ज्यादा न्यूज में रहा? क्योंकि इट इज अ चॉपर टेकन फ्रॉम रशिया.
इट इज अ चॉपर टेकन फ्रॉम रशिया. हम सभी को पता है कि जनरल विपिन रावत का एक्सीडेंट हुआ था. तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो एक्सीडेंट किस चॉपर में हुआ था? वो हुआ था MI-17V5 में, विच वॉज फ्रॉम रशियन ओरिजिन. तो हो सकता है कि ये न्यूज ये बहुत ज्यादा एक न्यूज रही थी, तो आपको पता होना चाहिए कि MI-17V5 चॉपर था जिसमें विच इज टेकन फ्रॉम रशिया. नाउ मूविंग ऑन, एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर. सी कुछ चीजें हैं, वैसे ना स्टेट की न्यूज थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट होती है, पर डिफेंस में जब कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है और वो कहाँ पे है. तो एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है ग्वालियर में. ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में. ग्वालियर मध्य प्रदेश में. अभी हमने देखा कि एक बायोलॉजिकल वायरस की वजह से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुआ, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ लाइफ का, लाइवलीहुड का. तो टू प्रिवेंट आर सेल्फ टू स्पेंड एन R&D एंड कम अप विद the precautions, to come up with the measures which could be taken in future. हम रिसर्च और डेवलपमेंट करें, हम पढ़ें कि जो वायरस आया है उसके क्या इम्पैक्ट थे और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और कैसे हम उनसे फाइट कर सकते हैं. फॉर दैट वी आर बिल्डिंग एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर विच इज इन ग्वालियर मध्य प्रदेश. देन कम्स क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब. अभी क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? सी टॉकिंग अबाउट द क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तक ना हम बाइनरी कंप्यूटिंग करते थे. बाइनरी कंप्यूटिंग क्या होती थी? बाइनरी कंप्यूटर होती थी 0101110001 के फॉर्म में हम बाइनरी सिग्नल सेंड करते थे. जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसको बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर आगे प्रोसेस करता है. अब हम यूज करने वाले हैं क्वांटम. व्हाट इज क्वांटम? क्वांटम इज एवरीथिंग इन बिटवीन 0 एंड 1, एवरीथिंग इन बिटवीन 0 एंड 1. तो अब हमारा जो कंप्यूटिंग का नेटवर्क है, सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा डेटा को कंपाइल कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे. तो एफिशिएंसी और स्पीड दोनों बढ़ेगी हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग से. क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऑब्वियसली यू ऑल नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू ऑल नो अबाउट मशीन लर्निंग. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ मशीन खुद से सीखती है और खुद से बिल्ड करती है, इसकी लैब बनने जा रही है कहाँ? अगेन MP में. देन कम्स डिफेंस टेक एंड टेस्ट सेंटर. डिफेंस टेक एंड टेस्ट सेंटर मतलब हम डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी को बिल्ड करेंगे और हम यहां पर ही टेस्ट करेंगे. तो टेस्ट सेंटर ये कहां पे बना है? ये बना है लखनऊ में. नाउ कमिंग टू आवर फाइनल स्लाइड. हमने क्या कहा था कि अपॉइंटमेंट्स बहुत जरूरी है ना? तो अपॉइंटमेंट्स में हमने देखा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है ये? दिस इज इक्विवेलेंट टू द CDS. CDS आफ्टर विपिन रावत, हु इज द CDS? दैट इज मेजर MM नरावने. मेजर MM नरावने, मुकुल नरावने, ही वॉज आर आर्मी चीफ. तो अभी आर्मी के चीफ ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं. और ये आपका होमवर्क है. नंबर 1 आर्मी, नंबर 2 नेवी एंड नंबर 3 एयरफोर्स. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. चलो नेवी का मैं बता देती हूँ. नेवी का हरि कुमार. नेवी इज हरि कुमार एंड एयरफोर्स इज वी आर चौधरी. एयरफोर्स इज वी आर चौधरी एंड नेवी इज हरि कुमार. ये दो चीजें मैंने आपको बता दी. नाउ यू ऑल हैव टू कमेंट डाउन कि आर्मी के चीफ कौन है. यू ऑल हैव टू कमेंट डाउन कि आर्मी के करंट चीफ कौन है. चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, चीफ ऑफ स्टाफ कमांड इज मेजर मुकुंद नरावने. नेवी में हरि कुमार, एयरफोर्स में विवेक राम चौधरी. ठीक है. नाउ एक और चीज है, एक और अपॉइंटमेंट है जो आपको याद रखनी होगी. एक और अपॉइंटमेंट है TS Tirumurthy. TS Tirumurthy, ही इज अ इंडियन.
See, UNSC, UNSC में काउंटर टेरर कमेटी, UNSC में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो काउंटर टेरर कमेटी को जो लीड करने वाले हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंटर टेरर कमेटी इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज टी एस तिरुमूर्ति इंडियन ओरिजिन के हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको याद रखने के लिए. नाउ दिस इज ऑल फॉर द डिफेंस. अभी इसमें हो सकता है कि कुछ और करंट अफेयर्स हो जो मुझसे छूट गया हो, तो वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में ऐड ऑन कर दूंगी. पर हाँ, आपको ये वीडियोस दो बार देखने हैं, साथ में नोट्स प्रिपेयर करने हैं. मैंने जो जो बोला है आपको स्टैटिक, वो सब कुछ आपको साथ में लिखना है. मैंने आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया बैलिस्टिक मिसाइल में, क्रूज मिसाइल में. मैंने आपको टॉर्पीडो की वर्किंग सिखाई. मैंने आपको बताया कि नेवी में जो शिप्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, वो क्या होता है. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अभी इतने सारी चीज़ें बताई कि अग्नि 5 क्या है, अग्नि प्राइम क्या है, पिनाका क्या है, देन उसके बाद स्टार क्या है, सेंट क्या है, समर्थ क्या है, ये सब कुछ आपको लिखना है और इसके साथ की इंफॉर्मेशन एंड फुल फॉर्म. यू हैव टू वॉच दिस वीडियो ट्वाइस एंड मेक योर नोट्स विद इट. आई विल बी कंटिन्यूइंग द सेम विद डिफरेंट टॉपिक्स. वी नो स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस. मैं जितना आपको पढ़ा रही हूँ दैट वुड सफाइस फॉर द एग्जाम एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 90+. ओनली अंडर वन कंडीशन कि आप सारी क्लासेस को रिवाइज करते जाए और आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाए. एल्स देन दैट इट्स वेरी हाई टाइम. एक थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. दैट्स इट. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. स्टे इन टच, स्टे ट्यून्ड. और हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन स्टिल कमेंट डाउन बिलो. अगर आपको अभी भी चाहिए कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट दैट डाउन बिलो कि मैम इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए है. तो हाँ, आपके एग्जाम के पहले मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं वो पक्का से करने वाली हूँ और मैं ज़रूर से वो वीडियोज़ बनाऊँगी जो आपको चाहिए हैं. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेरी, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू सो मच. That's it from my side. Thank you.